हेलो दोस्तों, नमस्कार। करते हैं एक नए दिन से नए ब्लॉग की शुरुआत। और आज के ब्लॉग की शुरुआत दिन के 12 बजे से हो रही है। काफ़ी लेट हो चुका है, बट टाइम भी नहीं मिल पा रहा है, इस वजह से थोड़ा लेट। कोई बात नहीं। और आज से हमारे ना सारे फंक्शन वैसे कल से स्टार्ट हो गए थे। कल हो रहा था दाल पिसाई और पीटू कुटाई। ठीक से वीडियो तो नहीं बनी, थोड़ा जितनी भी क्लिप बन पाएंगी उतनी डाल दूँगी। सोचा तो बहुत कुछ था कि ऐसा बनाऊँगी वैसे बनाऊँगी, बट कुछ भी नहीं हो पा रहा। फिलहाल अभी हम लोग जा रहे हैं मंदिर में, क्योंकि कुछ भी शुभ कार्य करने से पहले देवी देवताओं का आशीर्वाद लेना आवश्यक होता है और अपने पितरों का भी। तो अभी हम लोग मतलब जो और मंदिर है वहाँ पे तो मेरे भाई लोग चले गए थे सुबह ही, बट कुलदेवी के मंदिर में मैं अब जा रही हूँ, क्योंकि थोड़ा सा ऐसे बिजी हो गए थे सामान सामान रखने में। तो अभी चलते हैं और मेरे साथ कौन जा रहा है उनसे भी आपको मिलाते हैं। दोस्तों यहाँ पे मेरे साथ जा रही है मेरी बहन ज्योति। ज्योति को हमने काम करने के लिए स्पेशली पहले ही बुला दिया था तो असल भाई और काफ़ी सपोर्ट है इसका हमें, इसके लिए इसका धन्यवाद। और अभी हम चलते हैं माता रानी के मंदिर में और आपको भी कराते हैं अपनी कुलदेवी से दर्शन। दोस्तों फाइनली हम लोग पहुंच चुके हैं अपनी कुलदेवी के मंदिर में। शरण आए मांगे भक्त जनिए, शंभु शरण आए मांगे भक्त जनिए, कष्ट निवारो दया करो दर्शन शिव दे दो। हरने वाले भोले भक्तों के दुख हरने वाले, शुभ सबका प्रभु करने वाले, शुभ सबका प्रभु करने वाले, जिनकी पीड़ा हरो इनको मुक्त करो कष्ट निवारो, दोस्तों यहाँ पे हमने अपनी भगवती से आशीर्वाद ले लिया है। और यहाँ पे हमारे अन्य मंदिर भी हैं, यहाँ पे माता काली का है और यहाँ पे बाला सुंदरी का है। तो यहाँ पे भी चलते हैं और पूजा करके फिर निकलते हैं घर की तरफ। मेहमान भी धीरे धीरे आना स्टार्ट हो चुके हैं।
तो दोस्तों यहाँ पे भी हमने माता रानी से आशीर्वाद ले लिया है। अब मैं और ज्योति चल रहे हैं घर की तरफ। फाइनली हम लोग पहुँच चुके हैं घर में और घर भी हमारा बाबू बस धन्यवाद धन्यवाद और यहाँ पे हमारा घर भी डेकोरेट हो चुका है पूरी तरह से। मामा कैसा लग रहा है आपको हमारा गाँव? बहुत अच्छा लग रहा है। अच्छा, और मामा ने आज ऐसे कपड़े पहने हुए हैं, दीदी लोगों ने बोला था दिखा देना मुझे। तो यहाँ पे मेहमान भी पहुँच चुके हैं, तो मिलाते हैं सभी से। यहाँ पे हमारी सारी दादी लोग पहुँच चुके हैं और तीनों दादियाँ हैं और वहाँ पे हैं बुआ जी। कैसा रहा आपका सफर? बहुत अच्छा था, आराम से आए हम चंडीगढ़ वालों की गाड़ी से। तो दादी लोग रहते हैं चंडीगढ़ और कुसुमा दादी को तो आपने पहले देख लिया होगा वीडियो में, तो कि देहरादून रहते हैं। और यहाँ पे हमारी एक और दादी जी हैं, वो भी देहरादून में ही रहते हैं। क्या दोस्तों, धीरे धीरे मेहमान आने स्टार्ट हो चुके हैं और शाम को अभी थोड़ी देर में मेहंदी स्टार्ट हो जाएगी। और यहाँ पे मेरी बहन का कुछ काम धाम नहीं है, फोन पे लगी हुई है बस 24 घंटे। दोस्तों उसको फोन चाहिए होता है और बाकी पढ़ाई धड़ाई नहीं, काम कुम तो झक मारने के लिए। फिलहाल अभी हम लोग खाना खा रहे हैं, बाकी धीरे धीरे अपडेट आपको मिलती रहेगी थोड़ा बहुत। और यहाँ पे रहा खाना जिसको कि अभी वितरण किया जा रहा है और सारे लोग अभी यहाँ पे बैठकर खाना खाएंगे। दोस्तों फाइनली यहाँ पे हमारे मामा मामी सब लोग पहुँच चुके हैं। तो दोस्तों यहाँ पे हमारी मामी जी भी पहुँच चुके हैं। आप पेड़ पर भी चढ़ाओ भाई। हाय कर दीजिए इधर हमारी मांस को। नमस्ते। हाँ ठीक है। क्यों? इधर उधर उधर। तो दोस्तों खाना पीना हमारा हो चुका है और आज हमारे आधे मेहमान आ गए हैं, कुछ कल आएंगे। इलेक्शन की वजह से काफ़ी सारे लोगों का कैंसिल हो गया है आना, बट और ना अभी हम अपने मेरे एक मामा जी नहीं आ पाए क्योंकि उनकी उनका स्वास्थ्य थोड़ा सा ख़राब है, इस वजह से हम उनको बहुत मिस कर रहे हैं। तो मिस यू मामा जी। कोई बात नहीं, वीडियो के माध्यम से आपको हम सारी चीज़ें अपडेट में देते रहेंगे, आप बिल्कुल भी मिस नहीं करोगे। मामा कह रहे थे कि मेरे मतलब होती है ना इच्छा आने की, बट वो नहीं आ पा रहे हैं और हमें भी बहुत अजीब सा लग रहा है कि दोनों मामा आए और एक मामा नहीं आ पाए मेरे। और खैर कार्य तो रुकता नहीं है, बट थोड़ा सा याद तो आती है। फिलहाल इस ब्लॉग को मैं यहीं पे समाप्त करती हूँ, मेहंदी वाला अलग ब्लॉग बनाऊँगी। तो इस ब्लॉग में इतना ही, कल मिलेंगे नए दिन के साथ नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, गुड नाइट, टेक केयर।